नमस्कार दोस्तों, हम आपसे अक्सर मिलते रहते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर हमारी बात होती रहती है और कई बार आप लोगों की डिमांड आती है कि हम उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी कश्मीर, हरियाणा, इन सब के अलावा कुछ और भी स्टेट्स हैं देश में, उनके बारे में भी हम आपको समय समय पर अपडेट जानकारी दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश कभी सबसे बड़ा प्रदेश था देश का और राजनीति के लिहाज से भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश में रहा है। अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश एक अजीबोगरीब राजनीतिक द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है। 15 साल का शासन शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे, उनका ख़त्म होने के बाद कांग्रेस यहाँ 15 साल बाद सत्ता में लौटी और सत्ता में लौटी है तो कांग्रेस को सत्ता यहाँ पर, जिसे कहते हैं कि लगता है कि रास नहीं आ रही है, और इसके रास ना आने की सबसे बड़ी वजह तो पार्टी की अंदरूनी उठापटक है। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पर, मीडिया में देखा होगा कि किस तरीके की प्रतिद्वंदिता वहाँ पर चल रही है। जिस समय वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का चयन होना था कांग्रेस में, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच टकराव था। ये माना जा रहा था कि शायद एक CM बनेंगे, एक डिप्टी CM बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिप्टी CM बनने से मना कर दिया। इसी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट बन गए अशोक गहलोत के साथ डिप्टी CM, वो एडजस्ट कर गए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वाकांक्षी हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं डिप्टी CM नहीं बनूंगा। और यही वजह है कि राजस्थान में तो सरकार चल रही है लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं बनी है, इस समय डावाडोल स्थिति में नज़र आ रही है और इसे डावाडोल करने में बीजेपी वाले नहीं, खुद कांग्रेस वाले ही जिम्मेदार हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, और जब से कमलनाथ की सरकार बनी है तब से दिग्विजय सिंह का इंटरफेरेंस उसमें लगातार बना हुआ है। उनके मंत्रिमंडल में भी कुछ लोग हैं जो दिग्विजय सिंह का सपोर्ट करते हैं, कई MLA हैं जो दिग्विजय सिंह की लॉबी से हैं, वो सब लोग कमलनाथ पर प्रेशर बनाते हैं। अभी एक बड़ा दिलचस्प वाक्या हुआ, दिग्विजय सिंह ने सभी मंत्रियों और जो विधायक हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें चिट्ठी लिखी और कुछ चीज़ों के बारे में कि भाई इस मामले में क्या तरक्की हो रही है, इस मामले में क्या चल रहा है, उस घोटाले में क्या हो रहा है, इस तरह की जानकारी उन्होंने सबसे मांगी। और कमलनाथ को ये लगा कि यार चीफ मिनिस्टर मैं हूँ और ये एक्सप्लेनेशन दिग्विजय सिंह मांग रहे हैं सबसे, इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान हुए। अब खुलकर सामने नहीं आ सकते क्योंकि दिग्विजय सिंह उनसे सीनियर, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में कम से कम। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपने एक मंत्री से कहा, कमलनाथ ने, जो वन मंत्री हैं उनके यहाँ आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उमंग सिंघार, उनसे कहा कि भाई तुम सोनिया जी को एक लेटर लिखो कि दिग्विजय सिंह बार बार चिट्ठी लिखकर हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे से इंक्वायरी करते हैं, जबकि हमारी जवाबदेही चीफ मिनिस्टर की तरफ है, दिग्विजय सिंह कौन होते हैं हमसे तहकीकात करने वाले। और उमंग सिंघार ने सोनिया जी को ये पत्र लिख भी दिया, ये मीडिया में लीक भी हो गया। बहरहाल इस पत्र में उन्होंने कई बातें लिखी, उन्होंने लिखा कि भाई इससे गलत परंपरा शुरू हो रही है और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, दिग्विजय सिंह को क्या मतलब है, वो तो अपना लोकसभा चुनाव भी साध्वी प्रज्ञा से हार गए थे, वो क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के बेटे जो कि मिनिस्टर हैं, नगरीय प्रशासन विभाग है जिनके पास, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन, उनका भी नाम लिखा गया है कि देखिए उनके डिपार्टमेंट को लेकर, वो अपने बेटे के डिपार्टमेंट को लेकर कोई तहकीकात नहीं करते, जबकि वहाँ पर कई सिंहस्थ घोटाला हुआ है, कई और घोटाले उस डिपार्टमेंट में हो सके हैं, उनसे इंक्वायरी वो क्यों नहीं करते, हमारे से इंक्वायरी करते हैं। इससे मामला अब संगीन हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस को यहाँ नए अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। कमलनाथ यहाँ के प्रदेश के प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, अब नया अध्यक्ष बनाया जाना है और एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास क्या कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि वो स्टेट के बड़े नेता हैं, उनके पिता माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे, उनके समय में रेल मंत्री रहे थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया, जो महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा रही है, टिकट्स वगैरह फाइनल होने हैं, उसका प्रभारी बना दिया सिंधिया को। इससे सिंधिया नाराज़ हैं, पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया था, तो वो नाराज़ हैं इस बात से।
और वो कह रहे हैं कि भाई उनके समर्थक जो है वो खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं भोपाल में, जो कांग्रेस का मुख्यालय है उस पर नारेबाजी हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस बुलाया जाए, सब चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की भी महत्वाकांक्षा है, कमलनाथ चाहते हैं कि कोई मेरा ही आदमी बना रहे अध्यक्ष। और अभी कांग्रेस हाईकमान जो है, हाईकमान के दिमाग में कई नाम थे, जो पूर्व महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष रही हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा, उनका नाम चला, होम मिनिस्टर बाला बच्चन का नाम चला, इसके अलावा पूर्व मंत्री अजय सिंह का नाम भी लिया जा रहा है, एक्स MP रामनिवास रावत का नाम चल रहा है। इस सिलसिले में सोनिया ने कमलनाथ से मुलाकात भी की है और वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश भी की है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में जो रिफ्ट इस समय पैदा हो गया है वो कांग्रेस के लिए अनबेरेबल है, उसको एडजस्ट करना आसान नहीं है। कांग्रेस कई स्टेट्स में चुनाव में आने वाली है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में चुनाव होने हैं, इनकी तैयारी करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अस्थिर हो जाएगी तो उनके सामने प्रॉब्लम तो खड़ी होगी ही। इस प्रॉब्लम को सोल्व तो बहरहाल सोनिया गांधी को करना है, जो कि अब राहुल गांधी की जगह अध्यक्ष बन चुकी हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन अब सारे डिसीजन उन्हें ही लेने हैं। अब देखना है कि वो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर पाती हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में सरकार पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और सारी लॉबी और उनके समर्थक जो हैं वो कमलनाथ पर हावी हैं इस समय। कमलनाथ भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए राहुल गांधी के आशीर्वाद से, लेकिन सारी लॉबी दिग्विजय सिंह की है, दिग्विजय सिंह के मंत्री हैं, विधायक हैं, समर्थक हैं वहाँ पे, और दिग्विजय सिंह पुराने घाग हैं मध्य प्रदेश के, उनसे आप कैसे बच सकते हैं? तो दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, देखते हैं ये सरकार कब तक चलती है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं BJP के, उन्होंने कह दिया है कि भाई सब सरकार बताओ कौन चला रहा है, चीफ मिनिस्टर बताइए आपके कौन हैं, दिग्विजय सिंह हैं या कमलनाथ हैं। उन्हें मौका मिल गया किरकिरी करने का। तो इस मामले को लेकर काफ़ी उथल पुथल चल रही है। बहरहाल अब इस अदर स्टेट्स के बारे में आप हमारे से जानकारी लेना चाह रहे थे, तो मध्य प्रदेश पर हमने एक वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या जानकारी आप चाहते हैं, किस स्टेट के बारे में वीडियो जान लेना चाहते हैं, आप बताइए। और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।